सत श्री अकाल चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लें सुर्खियों के बाद। पंजाब के नवे राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने चुकी सहुं, सीएम मान समागम च हुए शामिल। संसद जम्मू कश्मीर का बजट पास, पिछले साल के मुकाबले 110 करोड़ घट, केंद्र शासित प्रदेश बनने तो बाद संसद च पेश हुंदा जम्मू कश्मीर का बजट। लाडोवाल टोल प्लाजा मुड़ तो होया शुरू, पुलिस ने किसानों से की वड्डी कार्रवाई, कई किसानों नूं हिरासत च लिया। हुण खबरां विस्थार दे नाल। पंजाब दे नवे राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने सहुं चुकी है। पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट दे चीफ जस्टिस शील नागू ने उन्हां नूं अहुदे दी सहुं चुकाई है। राज्यपाल दे नाल नाल कटारिया चंडीगढ़ दे प्रशासक दा काम भी देखणगे। इस दौरान हरियाणा दे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे। पंजाब दे वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने गुलाब चंद कटारिया दे चरण छू के आशीर्वाद लिया। दस दिए कि पंजाब च साबका राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ते सीएम भगवंत मान विचाले काफ़ी टकराव चलिया। दोहां ने एक दूजे खिलाफ काफ़ी बयानबाजी की है। कुछ समा पहला बनवारी लाल पुरोहित ने निजी कारणों का हवाला देंदे हुए इस्तीफा देता सी, जिसनों कुछ दिन पहला राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया सी ते कटारिया नूं नवा राज्यपाल बनाया सी। गुलाब चंद कटारिया ईश्वर की शपथ, मैं पढ़ देता हूं, सॉरी, ईश्वर की शपथ देता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक पंजाब के राज्यपाल के पद का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण करूंगा, संरक्षण प्रतिरक्षण करूंगा और मैं पंजाब की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद च केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पंजवां पूर्ण बजट पेश किया। इसनों आवाजी वोट नाल पास किया गया। जम्मू कश्मीर लिए वित्तीय साल 2024-25 लिए 1,18,390 करोड़ रुपए का बजट पेश होया। बीते साल ही 1,18,500 करोड़ रुपए से साल इस 110 करोड़ की कमी आई है। वित्तीय साल 2024-25 च जम्मू कश्मीर के कुल राज घरेलू उत्पाद च 7.5% का वाधा, 7,902 करोड़ रुपए वित्तीय घाटा रहने का अंदाजा है। इस तो पहला 5 फरवरी 2024 वित्त मंत्री ने जम्मू कश्मीर लिए वित्तीय साल 2024-25 लिए 1.18 लाख करोड़ रुपए का अंतरिम बजट पेश किया। बजट च कहा गया कि जम्मू कश्मीर के विकास का बजट है। इस जम्मू कश्मीर के लोगों की जरूरतों से इच्छावां शामिल किया गया। बजट बुनियादी ढांचे से सड़कों पर फोकस है। Sir, with your permission, I raise to lay on the table a statement in English and Hindi of the estimated receipt and expenditure of the government for the year 2024-25. Fiscal policy statement 2024-25. Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House under subsection 1 of section 3 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act of 2003. A copy each in English and Hindi of the following papers: medium-term fiscal policy, come fiscal policy strategy statement, and macroeconomic framework. आप ही आगे कर दो, 2 मिनट 8 मिनट रह गया। The budget of Union Territory of Jammu and Kashmir 2024-25, Srimati Nirmala Sitharaman. Sir, I rise to lay on the table statements in English and Hindi of the estimated receipt and expenditure 2024-25 of the Union Territory of the Jammu. Union Territory of Jammu and Kashmir with legislature.
पंजाब दा सब तो महंगा टोल प्लाजा लाडोवाल अज मुड़ तो शुरू हो गया। दस दिए कि भारतीय किसान मजदूर यूनियन ते भारतीय किसान दुआबा वालों 16 जून तो लाडोवाल टोल प्लाजा नूं पूरी तरह मुक्त कर दिता गया सी, पर हाई कोर्ट के हुक्मां तो बाद अज प्रशासन ने इस नूं मुड़ चालू कर दिता। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई किसानों नूं हिरासत च लै लिया। किसानों की अगवाई प्रधान दिलबाग सिंह गिल ते इंद्रबीर सिंह कादियां कर रहे हैं। पिछले 46 दिनों तो टोल बंद होने कारण लोगों 46 करोड़ रुपए तो वध दी बचत हुई है। किसानों की मांग कि टोल दर घटाइया जाए, एक साल च टोल दर च 3 बार वाधा होया है। टोल फ्री होने तो बाद नैशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाई कोर्ट च केस दायर किया सी ते मामले में हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार नूं टोल शुरू करन दे हुक्म दिते सन। यह भी दस दिए कि बीते दिन किसानों ने वध तो वध लोगों लाडोवाल टोल प्लाजा से पहुंचने की अपील की सी। किसानों ने कहा कि हाई कोर्ट ने किसानों के खिलाफ फैसला दिता है, अदालत ने उन्हों का पक्ष भी नहीं सुनिया। किसानों ने कहा किसानों ने धिर बनने लई हाई कोर्ट च अर्जी दायर की सी, पर कोर्ट ने कहा कि इस केस च धिर नहीं बन सकते। टोल प्लाजा लुधियाने कॉल दी थी किसान जथेबंदी ने बंद करने की, उस संबंधी जरा लैंड रोवर ड्यूटी लगी है, सिक्योरिटी अरेजमेंट्स किए गए हैं, फोर्स तो ही देख रहे हो सारे पास लगी है, माहौल बिल्कुल पीसफुल है लैंड रोवर कंट्रोल। अच्छा सर, टोल पंप से किसान जथेबंदी खड़े हुए थी, गड्डी जी तुम बता रहे थी, और किन्ने किसान जथेबंदी जो अज अभी वेरीफाई कर रहे हैं, तुम्हें वो डिटेल बाद डिटेल दे देने। वो तुम दस दें की गल हुई है दस दें। चीफ कमिश्नर गुरुद्वारा चोणा चंडीगढ़ की हदायत अनुसार श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बोर्ड दी चोणा लई जिला पटियाला योग वोटर रजिस्ट्रेशन का काम जारी है। वोटा बनाने का आखिरी दिन 31 जुलाई यानी कि अज फाइनल वोटर सूची की तैयारी के संबंध में केसधारी व्यक्ति इस मिति तक फार्म नंबर 1 भर सकता है। यह जानकारी जिला चोन अफसर कम डिप्टी कमिश्नर पटियाला शौकत अहमद परे ने साझी की। उन्होंने अपील की कि वो तो वह फार्म नंबर 1 केसधारी भर के संबंधित पटवारी BLOs STM दफ्तर फिर डिप्टी कमिश्नर दफ्तर विखे जमा कराउण। वधेरी जानकारी लई संबंधित तहसीलदार ते SDM दफ्तरां नाल वी संपर्क साधिया जा सकदा है। इन्हां फार्मां दे नाल इक पासपोर्ट साइज फोटो दे नाल रिहायश दे सबूत वजो आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, नरेगा कार्ड, बैंक पासबुक, पैन कार्ड आदि प्रूफ की कापी लगाई जा सकती है। DC ने कहा है कि वोट बनाने वाले व्यक्ति की उम्र घट तो घट 21 साल होनी चाहिए है, तो उसकी आस्था सिख धर्म च होनी चाहिए है, तो वह श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नूं मनन वाला ही होना चाहिए। कैबिनेट मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस च कहा है कि दिल्ली सरकार शहर च कोचिंग सेंटरां नूं कंट्रोल करने लई कानून लियावेगी। ओल्ड राजेंद्र नगर इंस्टीट्यूट की बेसमेंट में 3 IAS उम्मीदवारों के डुबण तो बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधन करते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार कानून बनाने लई सरकारी अधिकारियों वख-वख कोचिंग हबां के विद्यार्थियों की कमेटी बनाएगी। कानून च बुनियादी ढांचे अध्यापकों की योग्यता फीस नियम से गुमराहकुन इश्तहारां ते रोक लगाने के उपबंध होणगे। लोगों की फीडबैक भी मंगी जाएगी। आतिशी ने कहा कि दिल्ली नगर निगम ने कानूनों की उलंघना करदे बेसमेंट की वरतों करने वाले कोचिंग सेंटरों विरुद्ध कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर ते प्रीत विहार च 30 कोचिंग सेंटरों दी बेसमेंटा नूं सील किया गया, जदों कि 200 होर कोचिंग केंद्रां नूं नोटिस जारी कर दिए गए ने। जो ड्रेन उस एरिया में वाटर लॉगिंग के लिए जिम्मेदार था, उस पर वहां के सारे कोचिंग सेंटर्स ने इंक्रोचमेंट किया हुआ था, जिसकी वजह से ड्रेन से पानी नहीं निकल पाया। दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण अभी सामने आया है कि बेसमेंट में जिस प्रकार कोचिंग सेंटर्स क्लासेस चलाते हैं, कोचिंग सेंटर्स की लाइब्रेरी थी, वो 100% इलीगल था। जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट द्वारा इस कोचिंग सेंटर को परमिशन दी गई थी, उसमें बेसमेंट का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ पार्किंग और स्टोरेज के लिए किया जा सकता था। जो बाकी इंक्वायरी रिपोर्ट है वो अभी 7 दिन में आएगी, लेकिन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट के आधार पर ही
एमसीडी ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। सबसे पहले जो जेई जिम्मेदार थे वहां पे ड्रेन की मेंटेनेंस के लिए, जिनकी जिम्मेदारी थी ये देखना कि ड्रेन पर इंक्रोचमेंट ना हो, जिसकी जिम्मेदारी थी ये देखना कि किसी भी प्रकार की इलीगल एक्टिविटी वहां पर फील्ड पर नहीं चल रही है, उस जेई पर सख्त से सख्त कार्रवाई हुई और उसको एमसीडी से टर्मिनेट कर दिया गया है, उसको परमानेंटली नौकरी से निकाल दिया गया है। दूसरा, जो एई थे असिस्टेंट इंजीनियर, उनको तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी थी फील्ड ऑफिसर होने के नाते कि जो ड्रेन वहां पर बनी हुई है वो फंक्शनल है कि नहीं वो उनको इंश्योर करना था। उनकी जिम्मेदारी थी कि जिन परमिशंस के आधार पर वहां पर बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया हुआ है, क्या उन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। इसलिए इन दोनों अफसरों पर तुरंत कार्रवाई करी गई। मैं आज दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि जैसे ही पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आएगी और अगर इन अफसरों के अलावा और कोई भी अफसर जिम्मेदार पाया गया जिसकी अपनी ड्यूटी ना करने की वजह से इतनी बड़ी त्रासदी हुई, चाहे वो अफसर एक जूनियर अफसर हो चाहे वो सीनियर मोस्ट व्यक्ति हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। जो मैजिस्टीरियल इंक्वायरी रिपोर्ट है ये 6 दिन के अंदर आएगी और उसके आधार पर जिन जिन की भी गलती पाई जाएगी उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। केरल दे वायनाड जिले च भारी मीह तो बाद कई थावां ते जमीन खिसक गई है। जमीन खिसकन कारण होने वाली भयानक हादसों विच मरन वालों की गिनती लगातार वध रही है। हादसे विच हुण तक 150 तो वध लोगों की मौत हो चुकी है ते 128 लोग जख्मी होए ने। मलबे हेठ सैकड़े लोगों के दबे होने की संभावना प्रगट की जा रही है। वायनाड च भारी मीह कारण रैड अलर्ट जारी किया गया। इलाके च जमीन खिसकन की घटना बीते दिन वापरी जिस कारण घर च सौ रहे लोगों बचण का मौका भी नहीं मिले। आर्मी नेवी ते नैशनल डिजास्टर रिस्पोंस फोर्स दी टीमां खराब मौसम विच पीड़ितां दी भाल कर रही ने ते कई एजेंसियां पीड़ितां नूं लोड़ीं दी सहायता प्रदान करन लई मिल के काम कर रही ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब पहुंचे। इस मौके संगत वालों मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नूं दस्तार ते सिरोपा पा के सन्मानित किया गया। दस दिए कि सूबा सरकार वालों 77 कनाल 7 मरले जमीन गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब के नाम देने लई उन्होंने गुरुद्वारा के प्रबंधकों नूं बधाई दी है। इस दौरान गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब विखे श्री अखंड पाठ साहब कराया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने सिरसा में तारा बाबा की कुटिया में पहुंच के भी मत्था टेकिया। जम्मू कश्मीर के सांबा सैक्टर च तैनात अजनाला के पिंड हरड़ कलां के रहने वाले फौजी जवान हरवंत सिंह की ड्यूटी दौरान अचानक दिल का दौरा पैन नाल मौत हो गई है। हरवंत सिंह अठ सिखलाई फतेहपुर बटालियन में अपनी ड्यूटी निभा रहा है। अज शहीद नायक हरवंत सिंह की मृतक देह जदों उसके जद्दी पिंड पहुंची तो पूरे पिंड की अखां नम सन। हरवंत सिंह के परिवारक मैंबरों का रो रो के बुरा हाल से। इस मौके शहीद नायक हरवंत सिंह के भरा ने कहा कि वह भी फौजी जवान है तो उसके पिता भी फौज च रहे ने। उन्होंने कहा कि उसने अपने भरा से बहुत माण है कि उनका भरा ड्यूटी दौरान देश लिए शहीद होया। इस मौके शहीद नायक हरवंत सिंह की माँ ने कहा कि उसने माण है कि उसका पुत देश लिए शहीदी प्राप्त कर गया। ये जवान 8 सिखलाई फतेहपुर बटालियन का जवान आ।
तकरीबन साड़ी यूनिट शाम्बा डिप्लाई तो कल 5 बजे की मतलब खबर मिली कि ड्यूटी के दौरान गिर गया। डिगन तो बाद हॉस्पिटल लैके कि डॉक्टर ने डेड कर कारण पता लगा की कारण कुछ नहीं मतलब हार्ट अटैक की तकरीबन 10-11 साल नौकरी है और बिहेवियर तो बहुत ही ये जवान फौज में आने अगे तो मुश्किल ही है। अजकल तो तुम्हें पता वैसे भी अग्नि प्रथा चल गई है पर इस तरह के मोटिवेटेड जवान बहुत ही घट मिलते हैं। बहुत ही एक तगड़ा प्लेयर भी ही रैसलर भी बॉक्सर भी ही बहुत ही वधिया ड्यूटी पाई गई और बहुत वधिया जवान ही बड़ा ईमानदार बंदा है। एक देश नूं घाटा पिया बहुत वड्डी देश नूं ते पिया पर साडी यूनिट नूं बहुत वड्डा घाटा पिया सी। यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन ने अपनी नवी चेयरपर्सन के नाम का ऐलान कर दिया है। 1983 बैच की IAS अधिकारी प्रीति सूदन नू UPSC का नवा प्रधान चुनिया गया। 1 अगस्त तो अहदा संभालणगे। तो दस दिए कि अहदा UPSC के सबका चेयरमैन मनोज सोनी के इस्तीफे तो बाद खाली सी। प्रीति जो 2022 तो UPSC की मैंबर ने तो सबका सह सकत्तर का अहदा संभालिया। UPSC के सबका मुखी महेश सोनी ने सिख्यार्थी IAS पूजा खेड़कर विवाद सामने आने तो बाद अस्तीफा दे दिता सी। उन्होंने अस्तीफा देने का कारण निजी कारणों दस्सिया। प्रीति फूड प्रोसैसिंग जनतक वंड विभाग भी काम कर चुकी है। इस तो इलावा वह महिला ते बाल विकास विभाग ते रक्षा मंत्रालय च भी काम कर चुकी है। सूदन ने लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तो अर्थशास्त्र विच MPhil ते समाजिक नीति ते योजना विच MSc दी डिग्री हासिल की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ते आयुष्मान भारत वर्गे वड्डे प्रोग्रामा पिछे प्रीति दा हाथ है। उसके कारण नैशनल मैडिकल कमीशन ते सिगरेट ते पाबंदी वर्गे महत्वपूर्ण कानून बनाए गए सन। गुरु की वडाली वेलफेयर सोसायटी अमृतसर के लोगों वालों सबका डिप्टी मेयर कौंसलर अमन बख्शी का पुतला फूका गया। गुरु की वडाली वेलफेयर सोसायटी के लोगों का कहना है कि नगर निगम की करोड़ों रुपया की जमीन रमन बख्शी वालों हड़प ली गई है। उन्होंने कहा है कि कौंसलर होने के नाते अजे 800 करोड़ रुपये का मालक बनिया फिरदा और इसकी CBI की एजेंसियों को जांच करवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि गुरु की वडाली विखे 33 एकड़ जमीन से इसने नजायज कब्जा करके उत्थे गुंडा टैक्स वसूल रहा। हुण नज़र मारदे आं अज दे मौसम दे हाल दे वल। इस ही खबरों का सिलसिला इतने समाप्त होंगे। नवी ताज़ा खबरों के नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लिए दिओ इजाजत। धन्यवाद।